Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, assalamu alaikum. Here we see the relationship between rectangular and polar coordinate. Rectangular our polar coordinates, kisi bhi point ke rectangular our polar coordinates ke darmiyan relationship malum karna. Yahan pe isi diagram mein ya isi diagram mein hame point P nazar aata hai. Point P ke coordinates xy hai. xy ko hum rectangular coordinates kehte hain aur iske coordinate आर थीटा भी है. आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट्स हमें नजर आ रहे हैं, एक्स वाई जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं और आर थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. अब एक्स वाई और आर थीटा के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको मालूम करना, या अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह मालूम करेंगे, या अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह मालूम करेंगे. तो इन दोनों डायग्राम में पॉइंट पी हमें नजर आ रहा है. यहाँ पे भी पॉइंट पी है और यही पॉइंट यहाँ पे भी है. अगर हम पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो हाइट है ये वाई है, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो वैल्यू है जो लेंथ है ये बेस है. और पॉइंट पी से ऑरिजिन तक जो लेंथ है इसको हम आर कहते हैं, या यहाँ पे जो वेक्टर हम बनाते हैं इफ वी जॉइन पी विद ऑरिजिन we get a vector which is called position vector of point P. This vector is also called radius vector. तो यहाँ पे P से जो उमूद अगर हम खींच ले तो ये y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये x है. ट्रिग्नोमेट्री अगर हम यूज करें तो cos theta बराबर है बेस डिवाइड बाई हाई पार्टीनेस. बेस डिवाइडेड बाई हाई पार्टीनेस ये cos theta है और यहाँ से हमें मिलता है x इक्वल r cos theta. इसी डायग्राम में sin theta क्या है, sin theta is equal to perpendicular divided by high partiness. तो sin theta बराबर है y divided by r और यहाँ से y is equal to r sin theta हमें मिलता है. इसी डायग्राम में tangent theta बराबर है perpendicular divided by base. tangent theta is equal to y divided by x. इसी डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें, दिस इज हाई पार्टीनेस दिस इज बेस दिस इज परपेंडिकुलर. तो हाई पार्टीनेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट the length of r, the value of r, that is the length of the position vector op is equal to x square plus y square under root. यहाँ पे जो relation है x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, इन दोनों equation से हम वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई मालूम कर सकते हैं. यानी अगर हमारे पास आर और थीटा मालूम हो, आर और थीटा ये क्या है, आर थीटा किस पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट से, तो अगर आर और थीटा मालूम हो तो इसी फार्मूले की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू मालूम की जा सकती है. तो बाई यूजिंग दीज टू इक्वेशन बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. यानी आर थीटा अगर मालूम हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फार्मूला. इसी तरह अगर एक्स और वाई मालूम हो, किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम हो तो इसी फार्मूले की मदद से यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें आर की वैल्यू मिलती है. इसी तरह यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से और आर की वैल्यू यहाँ से मिलती है. तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई मिलती है और इन दोनों इक्वेशन से हमें आर थीटा मिलती है. थैंक यू.